सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक एटर्निटी बैंड, एक सिंगल शेयर्ड प्रॉन्ग एटर्निटी बैंड। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लेंगे रिंग आईडी। रिंग आईडी हम लेंगे 19.1, जो कि अप्रॉक्स होती है रिंग साइज 20 के हिसाब से। आप डिजाइन के हिसाब से कैसी भी आईडी ले सकते हैं। तो इसमें हम गाइडलाइन सेट करेंगे। गाइडलाइन के लिए हम कलर लेयर ऑफ करने अलग लेयर शुरू अलग कलर की लेयर हम चूज करेंगे। इसके लिए हम सर्कल चूज करेंगे 2 पॉइंट, ऊपर हम लेंगे 2.1, नीचे की तरफ भी हम लेंगे 2 पॉइंट, नीचे की तरफ लेंगे हम 1.7, साइड में लेंगे हम 2 पॉइंट, लेंगे अगेन 1.9, ताकि ये ग्रेजुअली हमारा बैंड बन सके। तो इसमें हम एक अनदर से हम सर्कल लेते हैं, सर्कल सेलेक्ट करते हैं वापस से। हम जाके सेलेक्ट करेंगे कर्व मेन्यू में, लेयर में जाकर के 3 पॉइंट सर्कल, जिसको 1, 2 एंड 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे चूज करे हैं। नाउ अब हम इसमें हाफ स्टडेड बैंड हम बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल सिंगल शेप बैंड जिससे यूज होते हैं। नाउ सेलेक्ट कर्व, जेम ऑन कर्व, सबसे टॉप, सबसे स्टार्ट स्टार्ट पोजीशन वाले हिस्से को हम सबसे टॉप पर ले आएंगे। नाउ इसमें हम यहाँ पे सिंगल शेड बनाएंगे, तो मतलब हमें दो डायमंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप चाहिए होगा। तो अप्रोक्स हम इसमें 0.6 तक का गैप एक बार ही हम रख कर देखते हैं। तो उसमें प्रॉन्ग का साइज के अकॉर्डिंग हम इसमें गैप को हम इंक्रीज करेंगे। हम इसमें नाउ हम इसमें डायमंड साइज थोड़ा सा कम ले लेते हैं, थोड़ा छोटे डायमंड में बनाते हैं। इसमें हमने चूज करा 1.6 का, और हमने इसको अप्रोक्स हाफ स्टडेड ही रखा। स्पेसिंग हमारी वही 0.6 की है। नाउ अब हम इसमें प्रॉन्ग्स चूज करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे शेयर्ड प्रॉन्ग, वन शेड प्रॉन्ग हमने इसमें यूज करा। हाइट बिल्कुल ठीक है इसकी, हाइट हमने 1.1 के तक की सेट करी है इसमें। अगर हम प्रॉन्ग का इंसर्शन चेक कर लेते हैं, घोस्टेड व्यू में हम चेक करते हैं, हम ये पोर्शन चेक करेंगे, ये कितना इंसर्शन है, ये अप्रोक्स 0.1 का है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। प्रॉन्ग इसमें हमारा अप्रॉक्स है 0.82 का, क्योंकि हमें थोड़ा जाड़ा प्रॉन्ग चाहिए होगा, थोड़ा मोटा प्रॉन्ग चाहिए होगा, ताकि इससे इस इधर का भी स्टोन सेट हो जाए और इधर का भी स्टोन सेट हो जाए। अगर हम पतला प्रॉन्ग लेते हैं तो प्रॉन्ग टूटने के चांसेस होते हैं और डायमंड निकलने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अब हम इसका बनाएंगे, अब हम कॉल इट, एक जेम को हम रिमूव फ्रॉम द ग्रुप करेंगे। बेजल अंडर बेजल, इसमें बेजल प्रोफाइल हम इसमें स्क्वायर वाली यूज करेंगे, क्योंकि हम अगर हम ये वाली प्रोफाइल यूज करते हैं, ये वाली प्रोफाइल बहुत ज्यादा डीप हो जाती है। तो हम अपने तरीके से हम जेम कटर यूज करके हम अपने तरीके से इसको डीप करेंगे। तो हम इसमें यूज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर यूज करेंगे, Rail3 जिसमें इसमें नाम है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। नाउ 0.6 हमने इसकी विड्थ रखी है। अब बाकी के लिए हमें हमें अगर बिल्कुल सेम करना है, तो अब हम इसमें कमांड यूज करेंगे मैच एट्रीब्यूट्स, F12 मैच एट्रीब्यूट्स, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू टेक स्टाइल फ्रॉम। जैसे ही हमने मैच एट्रीब्यूट क्लिक करा, तो यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू टेक स्टाइल फ्रॉम। हमें कोई ऑब्जेक्ट यूज करना है जिसका हमें स्टाइल पिक करना है, तो हमने इस जेमस्टोन को सिलेक्ट चूज करा, क्योंकि हमने यहाँ पे हमें सेम जेम की प्रोफाइल चाहिए, सेम हाइट, सेम विड्थ, सेम लेंथ चाहिए।
तो हमने इसको सेलेक्ट करा। बीजल प्रॉन्ग हमें नहीं चाहिए क्योंकि प्रॉन्ग हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसको करेंगे क्रिएट स्टाइल। तो सेम सेम स्टाइल, सेम हाइट, सेम थिकनेस के हमारे यहाँ पे बहुत सारे बीजल क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे। नाउ अब हम इन सारे बीजल को करेंगे हम बूलियन डिफरेंस। अब हम सेलेक्ट करेंगे लेयर्स को, हेड लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, बूलियन डिफरेंस करेंगे ताकि हम इसको यहां से कट कर सके। नाउ अब हम यहाँ पे अब हम सेलेक्ट करेंगे जेम कटर्स। जेम कटर के लिए आप सारे कटर्स, सारे जेम स्टोन्स को भी हम यूज कर सकते हैं। जेम कटर्स, इसमें हम जेम कटर लेंगे खाली वी शेप डीप बनाने वाला, ऑलरेडी होल हमारा ऑलरेडी है उसके अंदर। हम घोस्टेड व्यू में देखेंगे हमारे कितना होल कट करेगा। हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, जितना ही ये क्यूलेट है उतना ही हम कट कट करेंगे इसको, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे ताकि थोड़ा सा और गहरा हो जाए। हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ अब हम एक एक बीजल को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट हमने प्रॉन्ग की लेयर सेलेक्ट करी तो ये प्रॉन्ग्स को भी कट कर देगा, तो हमने इसको सेलेक्ट करके ग्रुपिंग करा। यहाँ पे हमने करा बुलियन डिफरेंस, यहाँ पे हमने बुलियन डिफरेंस यूज करा। सॉलिड कमांड में बुलियन डिफरेंस जा करके ऑरेंज लेयर को हमने सेलेक्ट करा। ना अब हमें हमारे बीजल हमारे कट चुके हैं जेमस्टोन्स के अकॉर्डिंग, इनको डायमंड सारे हाइड करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ अब हम इसको हाफ हाफ तक हम इसको सेलेक्ट करेंगे ताकि हम इसको उस तरफ मिरर कर पाए। ग्रुपिंग करेंगे, यहां से मिरर करेंगे, जीरो एंटर करेंगे और क्लिक कर देंगे। नाउ अब हम इसका बनाएंगे बैंड, बनाएंगे अब हम इसका बैंड के लिए हमने वही कर्व्स का यूज किया जो हमने स्टार्टिंग में बेस कर्व बनाया था। नाउ अब हम इसको दोनों कर्व को सिलेक्ट करके करेंगे हम एक्सट्रूड। अब हम आएंगे सीधा टॉप पॉइंट पे। अब हमें इसको कितना एक्सट्रूड करना है, इसको हमें एक्सट्रूड करना है जितना ये बैंड था उससे हल्का सा ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं करना। नाउ अब हम इसको करेंगे फिलेट करेंगे। फिलेट करने के लिए हमें इसकी लेंथ को नापना होगा। लेंथ हमारी है 1.85, तो उसमें हम अप्रोक्स 0.5 तक का हम इसमें फिलेट करेंगे, 0.4 तक का अप्रोक्स ले लेते हैं। थोड़ा सा और ज्यादा लेंगे हम इसमें 0.5। तो अब हम इसको इसके अंदर वाले इनर डायमीटर को भी हम फिलेट करेंगे, इसको ज्यादा नहीं करेंगे, 0.1 से ज्यादा 0.1 तक करेंगे या उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे 0.2। नाउ अब हम इस बैंड को कट करेंगे। इस बैंड को कट करने के लिए हम एक लाइन कमांड लेंगे, जीरो एंटर करेंगे और इस स्टोन के बिल्कुल हाफ तक रखेंगे। एक और लाइन लेंगे, इस लाइन को हम डाउन करेंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको, हम दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे। हम इसको स्प्लिट कमांड यूज करेंगे और बाकी को हम डिलीट कर देंगे। नाउ अब ये हमारा बैंड की पोजीशन बन के तैयार है। अब हम इसको बैंड को इसके साथ मर्ज करेंगे। मर्ज हम कैसे करेंगे, हमने बैंड को सेलेक्ट करेंगे। अब हम एक केज हम एडिट करेंगे। केज एडिट करने के लिए हमें 5 पॉइंट्स लेंगे एक्स के, वाई पॉइंट के हम 5 लेंगे, वाई जेड पॉइंट के भी हम 5 लेंगे और तीनों डिग्री हमारी तीन तीन पे सेट होंगी। ये 5 5 पॉइंट्स हमने इसलिए लिए ताकि हमें इस बैंड को टॉप से जो टेपर करना है ज्यादा टेपर नहीं करना। अगर हम 4 पॉइंट लेते तो ये टेपर बहुत ज्यादा हो जाता। नाउ अब हम इसको हल्का हल्का करके टेपर करेंगे। हमने इसको हल्का सा टेपर कर दिया है। नाउ एस्केप कमांड से हम इसको नाउ अब हम इसका डुप्लीकेट एज निकालेंगे ताकि हम इसमें ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो शैंक एंटर करके हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। सेलेक्ट दिस बूलियन डिफरेंस, नाउ एक्सट्रूड। अब हम इसको एक बारी स्टोन हाइड करके देखेंगे, बिल्कुल यहां से खत्म हो चुका है, क्लीन हो चुका है। नाउ अब हम इसको बूलियन डिफरेंस करेंगे, सॉरी
मिरर करके इसको हम ज्वाइन करेंगे, नॉट बोलिंग डिफरेंस। अब इसको हम लेयर को चेंज करेंगे। सो आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से ये बैंड बना। सो वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजें। एंड थैंक यू सो मच।